हेलो डियर CMIS फ्रेंड्स, तो कैसे हो यार। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इज़ द वेरी बेस्ट इंस्टीट्यूट इन मैथमेटिकल साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एंड कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिकल्स, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होगा यहाँ पे पढ़ने का, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि भैया करना क्या है बेसिकली, क्योंकि कुछ जस्ट इनफ इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एट द प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, राइट। सो इसमें होता क्या है बेसिकली, और इसका स्कोप क्या है, इसमें प्लेसमेंट कैसे होता है, एडमिशन का क्या सारा चीज़ है, राइट। सो यार यहाँ पे जो है एप्लीकेशन आपके ओपन थे मई तक, राइट। जैसे कि 21 मार्च से एप्लीकेशन ओपन हुए थे, 1 मई तक एप्लीकेशन ओपन थे, देन एडमिट कार्ड आ गए थे 12 मई को, 13 को आए थे, 12 को जो भी थे, देन आपके एग्जामिनेशन हो गए थे 22 मई को और 23 मई को, ओके 23 मई को भी एग्ज़ाम हुए थे जिन भी स्टूडेंट ने KVPY का एग्ज़ाम दिया था, एंड अगर उनको उन्होंने CMI का भी फिल किया था, देन उनका जो स्पेशल एग्ज़ाम लिया गया था 23 मई को बाई द CMI पोर्टल, राइट, जो भी इनका था। तो अब जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वारी है रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम कि भैया पेपर कैसा हुआ था, आपने रिव्यू वीडियो नहीं डाला। आई रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं रिव्यू वीडियो वगैरह नहीं डाल सका कि क्या सारा कट ऑफ रहने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि भैया एडमिशन कैसे होता है, इसके अंदर कितना सारा कट ऑफ जाता है, इसका रिजल्ट कब आ रहा है, एकेडमिक सेशन कब स्टार्ट होगा, बेसिकली इसमें पढ़ाया क्या जाता है, हम किससे इसके बारे में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कौन हमें इसके बारे में बता सकता है, राइट। सो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये बेसिकली कौन कौन से कोर्सेज करवाता है यार, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है स्टूडेंट्स को, एंड बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है इसके रिगार्डिंग, एंड बहुत सारे कॉल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। सो मैंने सोचा यार इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की कुछ हेल्प कर देते हैं, और ये कौन कौन से कोर्सेस वगैरह कराता है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट एंड सारी की सारी डिटेल ही बता देते हैं, राइट। सो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, ओके। सो यार इसके अंदर जो कोर्सेस है बेसिकली, जैसे आप कर सकते हो इसके अंदर BSc होनर्स कर सकते हो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। अब यार कंप्यूटर साइंस का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, अगर आप CMI से कंप्यूटर साइंस करते हैं देन आप सोच भी नहीं सकते, राइट। BSc होनर्स आप कर सकते हो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से, देन जस्ट जो है MSc प्रोग्राम्स आर अवेलेबल PG जस्ट लाइक राइट मैथमेटिक्स, देन MSc कंप्यूटर साइंस, MSc डेटा साइंस एंड BSc प्रोग्राम्स अवेलेबल है, राइट। एंड जस्ट लाइक BSc होनर्स फिजिक्स एंड MSc मैथमेटिक्स। अब अपन बात करते हैं ये होनर्स क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने 12th पास किया होगा, ये बीच में HONORS क्या लिखा रहता है कोष्टक में, इसका क्या मतलब होता है भैया। यार जस्ट होनर्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने सुना होगा कि फिजिक्स में जस्ट होनर्स की डिग्री ली है, या फिर किसी ने प्योर मैथमेटिक्स पढ़ा है, प्योर का तो मतलब समझ आता है कि प्योर एकदम शुद्ध पढ़ा होगा, उसमें कुछ मतलब गंदगी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यार जो है होनर्स का मतलब होता है बेसिकली उसकी जो डेप्थ होती है, जैसे फिजिक्स की डेप्थ होती है, मैथमेटिक्स की डेप्थ होती है, तो जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स में होनर्स करता हूँ देन जो है मैं उसके अंदर घुस जाता हूँ, अंदर 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 चला जाता हूँ, जो भी सारा का सारा है मैथ के बारे में ही पढ़ूंगा। जैसे अगर हम जैसे मैं इंजीनियरिंग करता हूँ, BTech करता हूँ, कंप्यूटर साइंस करता हूँ, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मेरे पास कंप्यूटर साइंस तो दे रहे हैं लेकिन मेरे पास केमिस्ट्री भी उठा के ले जाएंगे, भैया तेरे को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तेरे को मैन्युफैक्चरिंग भी पढ़नी पड़ेगी, तेरे को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग भी पढ़नी पड़ेगी, राइट, तेरे को इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन BSc जस्ट होनर्स जो सब्जेक्ट होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें बेसिकली फील्ड पे फोकस किया जाता है। अगर जैसे तुमने कोई भी फील्ड पकड़ ली, जैसे फिजिक्स पकड़ ली, फिजिक्स में अगर तुम होनर्स कर रहे हो तो वो जो है तुम्हें फिजिक्स के टॉपिक उठा उठा के लाएंगे, ये ले भैया तेरा न्यूटन ले, ये तू ले ले अवोगाद्रो ले, ये तू जस्ट फिजिक्स का ये लॉ ले, ये घर्षण ले तू, ठीक है, ये ग्रेविटी ले, फिजिक्स को ही फिजिक्स को डालेंगे तुम्हारे उठा, उसको बेसिकली हम बोलते हैं होनर्स। अब रही बात कट ऑफ की कि भैया क्या कट ऑफ जाने वाला है, कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एडमिशन के लिए, तो चलिए मार्क्स भी देख लेते हैं। बेसिकली जो है पहले यार हम ये बात कर लेते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, पिछले 5 सालों में कितने बच्चों ने जो एडमिशन के लिए टेस्ट दिया है, और कितने बच्चों को सीटें दी जाती है, और बेसिकली एप्लीकेंट्स कितने आते हैं, राइट। सो यार एक डाटा के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ CMI के अंदर एप्लीकेशन रेट, तो जो भी है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग सन 2015 के अंदर अगर अपन बात करें तो जो है 4100 बच्चों ने टेस्ट दिया था, राइट। 2016 के अंदर भी यही 4000 के करीब टेस्ट दिया है, 2017 में सेम है,
2018 के अंदर 5500 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 2019 के अंदर 6000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, 2020 में 7000 बच्चों ने दिया है और 2021 में 11000 बच्चों ने टेस्ट दिया है, ऐसा कुछ अपडेट निकल के आ रहा। दिस इज मतलब ये अनुमानित है, मतलब इसमें जस्ट लाइक आप 10.5 भी मान सकते हो, 11 भी मान सकते हो, ऐसे कुछ है, राइट। अब अपन बात करते हैं यार, एक जो इसका जो वेबसाइट है CMIEntrance.in, उस पर भी आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह भी मिल जाएंगे कि क्या सारा सीन है, कैसे इसमें कट ऑफ वगैरह जाता है, और मतलब जो भी इसको हम टोमेटो एग्जामिनेशन बोलते हैं, और इसका खुद का जो टोमेटो का बुक भी रिलीज किया है, और क्वेश्चन वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं बेसिकली यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के कुछ मार्क्स वगैरह की डिटेल भी मिल जाएगी बेसिकली यहाँ पे, जैसे कि जस्ट इसके अंदर शो कर रहा होगा कि कितने मार्क्स का टेस्ट होता है। अब जैसे आपके सेक्शन बटे होते हैं, जैसे जनरल वगैरह जो भी है, एक तो रिजर्व कैटेगरी होती है, एक जनरल कैटेगरी होती है, राइट। अगर अपन 2021 के कट ऑफ की बात करें, ओके, सो जो है वहाँ पे आई थिंक जस्ट अगर आप गूगल वगैरह करते हैं तो आपको शो हो रहा होगा कि जनरली जो है 100 में से अगर 65 मार्क्स लेके आते हैं, एंड जो भी है अगर आप विदाउट स्कॉलरशिप हो, ठीक है, स्कॉलरशिप अगर आपको नहीं मिलती है, देन 100 में से अगर आप 57 ऐसे कुछ लेके आते हैं, और जो भी आपका बी पार्ट था उसके अंदर 60 में से मतलब 35-36 मार्क्स वाला सिस्टम, और जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी वाले थे उनके 60 में से जस्ट लाइक 30-29 मार्क्स वाले बच्चे, राइट। सर जो भी CMI वाले बच्चे हैं वो हमारे काउंसलिंग हेल्प ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारी टीम फुल ट्राई करती है अपना, ठीक है, कि तुम्हारा एडमिशन करा सके CMI के अंदर एंड टॉप रेपुटेटेड कॉलेजों के अंदर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन टेक द काउंसलिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग वाला सर्विसेज, एंड अभी जो है आई थिंक 7 जून तक डिस्काउंट के अंदर चल रहा है प्लान, एंड ओनली फॉर हाफ प्राइजेज के अंदर आपको जो है फुल काउंसलिंग प्रोसेस चल जाएगा, जिसके अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाएंगे, आपका जो भी इंटरव्यू वगैरह अगर होता है देन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको फुल गाइड किया जाएगा, एंड B2B आपका गूगल मीट पे या फिर जूम पे आपका व्हाट्सअप कॉल पे जस्ट लाइक कंसल्ट करेगी हमारी पूरी टीम, आपसे बताएगी आपको कि क्या सारा सीन है क्या नहीं है, आपको जैसे इसमें कितना कट ऑफ जाता है कितना कट ऑफ नहीं जाता, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आपका एडमिशन कहाँ पे होगा, अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपका आगे जाके क्या फ्यूचर है, आपका कितना प्लेसमेंट होगा, राइट, आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे, वहाँ पे अभी तक कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, किन किन बच्चों जो भी कोर्सेस है उसके अंदर कितना स्कोप है, क्या सारा सीन है, सारी की सारी डिटेल आपको बता रहे होंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, देन यू कैन टेक द काउंसलिंग हेल्प फ्रॉम द इंजीनियरिंग वाला काउंसलिंग सर्विसेज, ठीक है। एंड अभी तक आई थिंक जो है हम तकरीबन पिछले एक साल के अंदर 30,000 से 40,000 बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं, एंड यार 7 तारीख के बाद जो है काउंसलिंग का फुल अमाउंट हो जाएगा 9,999 रुपये, एंड 7 तारीख तक जो है हाफ प्राइजेज के अंदर मिल रहा है ये 4,999 रुपये के अंदर। तो जस्ट गूगल फॉर्म वगैरह जो है आपको एक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एक मेरा मैं नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, उस पर भी मैसेज कर सकते हो, तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जस्ट खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। रही बात रिजल्ट डेट की, कि भैया आपके जो रिजल्ट है, हमारे जो रिजल्ट है वो कब आने वाले हैं, राइट। सर आपके जो रिजल्ट है वो 18 जून आप मान के चल सकते हो, 18 या 19 जून से पहले तो नहीं आने वाला, बिकॉज जो भी एग्ज़ाम आपका हुआ है उसको थोड़ा सा लिस्टेड करने में टाइम लगता है, तो यार आप 18 जून तो मान के चलो ही मिनिमम कि 18 जून से पहले तो आने के कम चांसेस है। एंड बेसिकली जो लिस्टें जारी की जाएगी वेबसाइट पे कि किसका एडमिशन हुआ है किसका एडमिशन नहीं हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद भी जो है सीट छूट जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट इश्यू आ जाता है, फीस पे नहीं कर पाते हैं, इसलिए जस्ट जो है आप मेंटर की गाइडर की जो भी एडमिशन स्पेशलिस्ट है CMI के बारे में डिटेल के अंदर जानते हैं, या फिर जो भी आपके अगर कोई सीनियर वहाँ पे पढ़ रहे हो देन आप जो है उनके टच में रहिए, या फिर जो भी ये ऐसी काउंसलिंग्स प्रोवाइड करते हैं, एंड आई थिंक आपको यूट्यूब वगैरह पे मैंने भी चेक किया था कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एंड बहुत सारे स्टूडेंट की क्वारी आ रही थी इसलिए मेरे को ये सारा अपडेट डालना पड़ा, ठीक है गाइस। और थैंक यू, अगर आप मेरे को कंसल्ट करनी हो पर्सनल देन आप जो है मेरे को ईमेल डाल सकते हो, ओके, मेरा पर्सनल ईमेल मैं डाल दूंगा, एंड माय नेम इज़ कमल किशोर सैनी एंड आई एम IITian, आई एम अ फाउंडर ऑफ CEO एट इंजीनियरिंग वाला एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।